अरे सब बच्चे आ गए, वाह क्या बात है, पर ये रोहन कहाँ रह गया? रोहन बेटा रोहन। दादू मुझे सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं रोहन, देखो बेटा तुम्हारे सारे दोस्त आ गए हैं और तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है रोहन, चलो जल्दी आओ। दादू मुझे सोने दो, मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है। रोहन इतना आलस ठीक नहीं, चलो जल्दी से आओ, मैं तुम्हें आज एक कहानी भी सुनाऊंगा, जल्दी से आओ। कहानी? अरे कहानी के लिए तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो सब बच्चे तैयार कहानी सुनने के लिए? आज मैं तुम सबको आलसी टिड्डे की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? एक समय की बात है, एक था टिड्डा जिसका नाम था ग्रीनी, और जो हर दिन या तो सोता या दिन भर इधर उधर गाने गाता और अपने समय को नष्ट करता था। क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है, नाचो और गाओ कुछ बुरा न देखो, क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है। अरे चीटी बहन कहाँ जा रही हो, इधर आओ मेरे साथ खेलो, देखो कितना अच्छा मौसम है, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। टिड्डी भैया ऐसी तंग मत करो, मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, आओ आओ तुम भी हमारे साथ चलो और खाना इकट्ठा कर लो। सर्दियों के लिए अभी से खाना? हाँ टिड्डी भैया आप भी कर लो, आ जाओ हमारे संग और चलो। अरे नहीं नहीं, इतना सुहावना मौसम है, मैं तो इस मौसम का आनंद लूंगा, तुम जाओ खाना इकट्ठा करो। क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है, नाचो और गाओ। इस तरह दिन बीतते गए और फिर आया सर्दी का मौसम, टिड्डे का हुआ फिर हाल बेहाल, भूख से हो गया मरने वाला हाल। कितनी ठंड है और मुझे भूख लग रही है, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, क्या करूं क्या करूं। चींटी बहन के पास जाता हूं मदद मांगने के लिए। चींटी बहन, चींटी बहन कहाँ हो तुम? चींटी बहन। हाँ टिड्डी भैया क्या हुआ? चींटी बहन मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो ना। टिड्डी भैया आपको कितना समझाया पर तुम्हें कुछ समझ ना आया, आप भुगतो ना अपना परिणाम। ऐसा मत कहो चींटी बहन, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं भूख से मर जाऊँगा, मेरी मदद करो चींटी बहन, प्लीज़ प्लीज़ चींटी बहन। अरे टिड्डी भैया रो मत, मैं तुम्हारी इस बार मदद कर देती हूँ, पर याद रखना अगली बार से समय का ध्यान रखना, समय को समझना मूल्यवान। हाँ हाँ चींटी बहन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अपना समय व्यर्थ ना करूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चींटी बहन, इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा,
काम के समय काम, खेल के समय खेल, मत भूलो मेरे प्यारे, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल। तो देखा रोहन, अब तुम्हें समझ आया कि आलस करना कितनी बुरी बात है? हाँ दादू, मुझे समझ आ गया कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और अपना सब काम समय पे करना चाहिए। हाँ बेटा, अब तुम भी उस टिड्डे की तरह याद रखना कि काम के समय काम, खेल के समय खेल, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल। काम के समय काम, खेल के समय खेल, मत भूलो मेरे प्यारे, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल।